सो हे गाइस, आज हम करेंगे वापस से लव रीडिंग एंड साइन फ्रॉम यूनिवर्स, आप बोल सकते हो। इस रीडिंग में रिलेशनशिप के बारे में कुछ ना कुछ आज आपको गाइडेंस मिलेगा, लव मैसेज मिल सकता है यहाँ पे। एंड डजंट मैटर आप सिंगल हो या आप रिलेशनशिप में हो, आपको स्टिल ये चीज़ हेल्पफुल रहेगी। ये जो भी मैसेज या जो भी गाइडेंस होगा, आप बिल्कुल इसके ऊपर एक्ट करें, इसको कंसिडर करें, ठीक है। एंड इट माइट नॉट रिलेट यू, ऐसा भी हो सकता है कि आपको रिलेट ना भी करे, स्टिल यू कैन टेक इट एज अ गाइडेंस। ऑलराइट, तो मैं एक कार्ड यहाँ पे पिक करूंगी एंड इट विल बी योर डिवाइन जनरल गाइडेंस। ओके, सो रिलेशनशिप में कोई लोग है एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दैट, कोई सिचुएशन इस वक्त ऐसी है कि आप यू नो कन्फ्यूज हो, देन आस्क राइट नाउ, जो भी क्वेश्चन है वो पूछिए। अगर आप सिंगल हो एंड आप जस्ट यू नो यू जस्ट वॉन्ट टू अट्रैक्ट योर पार्टनर या एक रिलेशनशिप में आप आना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको क्या करना चाहिए या इस वक्त आप क्या कर रहे हो, तो उस तरीके का क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको आप पूछ सकते हो। स्टिल यू कैन गेट सम गाइडेंस। लेट्स सी क्या मैसेज मिलता है आपको आज। लेट मी शफल वंस मोर। सो आई एम गोना पिक अ सिंगल रैंडम कार्ड जो मैं यहाँ बीच में से पिक कर रही हूँ एंड ये कार्ड आया है, लेट मी रीड, पहले मैं रीड करके आपको बता देती हूँ। बैक टू व्हाट यू लव, री इवैल्यूएट योर डिजायर्स। ठीक है, देखिए मैं साइड में इसकी रियल मतलब उसकी इमेज आपको दिखा दूंगी, यहाँ पे आपको उल्टा दिख रहा है तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो बैक टू व्हाट यू लव, री इवैल्यूएट योर डिजायर। फिर तो कहीं ना कहीं आप में से बहुत लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप अपने फोकस से हट गए हैं, मतलब आपका फोकस अभी उस चीज़ों पे है जो आपकी लाइफ में अनवांटेड है। सो जस्ट बैक टू व्हाट यू लव, मतलब उन चीज़ों के ऊपर फोकस करिए, उन चीज़ों के बारे में आप काम करिए जिसको यू नो जो सच में आपके लिए है, जो आप पसंद करते हो, जिसको आप जो चाहते हो। ठीक है, री इवैल्यूएट योर डिजायर्स, आपके डिजायर्स को वापस से आप एक बार यू नो एनालाइज करें व्हाट यू वांट। अगर रिलेशनशिप के एंगल से हम बात करें तो जस्ट थिंक अबाउट कि आप अपने रिलेशनशिप में क्या चाहते हो, आपका पर्पस क्या है। ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशंस को आप एनालाइज करिए कि आप कौन सी चीज़ें गलत कर रहे हो, कौन सी चीज़ें सही कर रहे हो। ठीक है, एंड जस्ट फोकस ऑन गुड थिंग्स, पॉजिटिव थिंग्स। ठीक है, आपके पार्टनर के बारे में भी आप एक पॉजिटिव चीज़ों की लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, अगर आप सिंगल है तो आप पहले तो खुद से प्यार करिए, प्लस आपके आसपास की जो भी रिलेशनशिप है, जो कोई रिलेशनशिप बिगड़ी हुई है तो उसमें भी आप कुछ अच्छा ढूंढने की आप ट्राई करिए। ठीक है, एंड जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ गुड थिंग्स इन योर करंट रिलेशनशिप, जो भी रिलेशनशिप है जिसके भी साथ है। ठीक है, एंड जस्ट री इवैल्यूएट इट, उसको आप वापस से एक बार एनालाइज करिए, उसको वापस से एक बार समझने की कोशिश करिए। ठीक है, जस्ट थिंक डीपली और उसके बाद आपको कुछ ना कुछ कंक्लूजन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अपने डिजायर्स को यू नो आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए और उसके पीछे पर्पस क्या है, आपके डिजायर के पीछे जो भी आपने डिजायर बनाया है तो वो आपके लिए सही है या नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट अपने फोकस को आप उसी चीजों के ऊपर लगाइए व्हाट यू लव। ठीक है, सो जस्ट बैक टू व्हाट यू लव, री इवैल्यूएट योर डिजायर।